यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गुस्से से पुलिस अधिकारी थर थर कांप उठे हैं। इस बार तो सीएम योगी को लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर ऐसा गुस्सा आया कि बवाल ही मच गया। एक एक कर सीएम योगी ने सभी पुलिस अफसरों की क्लास ले डाली। दरअसल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सबसे बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई। 3 घंटे चली इस बैठक में काफी धमाका देखने को मिला, क्योंकि कुछ पुलिस वालों के कुछ मामले ऐसे थे जिन्हें सुनकर सीएम योगी गुस्से से लाल हो गए। बैठक में महिला संबंधी अपराध, अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर कार्रवाई का मुद्दा सबसे अहम रहा। इस दौरान महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई करने में फिसड्डी रहे जिलों के कप्तान को जमकर फटकार लगाई गई। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री इस समीक्षा में सभी आईजी, एडीजी, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों से मुखातिब हो रहे थे। यानी कप्तान साहब को पड़ रही डांट उनके थानेदार भी सुन रहे थे। इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना थी, जिस पर एसपी अंबेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई। अंबेडकर नगर के साथ साथ हाल ही में आपराधिक घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए और 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के कप्तान और 2 पुलिस कमिश्नर को भी डांट लगाई। अंबेडकर नगर के साथ साथ हाथरस, चंदौली, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर, महोबा, महाराजगंज, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी और सुल्तानपुर के पुलिस कप्तानों से भी हाल ही में हुई घटनाओं में लापरवाही और देरी पर गुस्सा जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ कहा कि किसी भी घटना में लापरवाही या गड़बड़ी स्पष्ट हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से भी हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर भी कर दिया जाएगा। सीएम योगी की नाराजगी के पीछे हाल ही में हुई आपराधिक घटनाएं कारण बनी। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने में आरोपियों पर कार्रवाई में देरी से मुख्यमंत्री सीएम योगी बेहद नाराज दिखे। एसपी अंबेडकर नगर अजीत सिन्हा को देरी पर मुख्यमंत्री ने फटकार लगाते हुए साफ कहा कि इस घटना में अगर शासन ने निर्देश न दिए होते तो तुम अपराधियों को मिठाई खिलाते, उनकी आरती उतार रहे थे क्या। एसपी अंबेडकर नगर की बीते दिनों मिली शिकायत पर भी इस फटकार में असर दिखा। यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मुझे पता है जिलों में क्या हो रहा है, लेकिन अब लापरवाही किसी की भी हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।